हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब विथ लर्निंग में। तो दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन से संबंधित पांच ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे रियल लाइफ में बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम ट्रिक देखना स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर वन क्या है? अगर किसी भी संख्या में 99 से 999 से 9999 से कितना भी 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। जिसमें आपको गुना करना है उसमें से एक घटाइए। हमको 57 में गुना करना है, उसमें से एक घटा लीजिए, कितना होगा? 56। 56 लिख लिए। ऐसे देखिए, तो अगर 99 से गुना करना है किससे? 99 से, तो उसको 99 से घटा लीजिए। तो 9 में से 6 गया, कितना होगा भाई? 3 होगा। 9 में से 5 गया 4। देखिए दोस्तों, आंसर हो गया इसका। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करना है, तो 43 में से एक उसको क्या कर लीजिए? घटा लीजिए, कितना होगा भाई? 42। कितना होगा? 42। इसमें आप क्या कीजिए, 99 में से 42 को घटाइए। तो 99, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5। देखिए दोस्तों, आंसर हो चुका है। आप क्या करना है दोस्तों, जैसे हमको 999 से 32 में गुना करना है, तो हम क्या बोले, 32 में से एक घटाइए, कितना घटा होगा? 31। कितना होगा दोस्तों? 31। 31 लिख लेंगे। अब 999 में से उस 31 को क्या कीजिए? घटाइए। इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, बच गया 9। चलिए दोस्तों, आंसर हो गया। अगला है 9999 से 131 में गुना करना है। 131 में से हम पहले क्या करेंगे? एक घटाएंगे, लिखिए उसको, कितना होगा? 130। चलिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, 9999 में से 130 को घटाइए। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और बच गया 9। चलिए दोस्तों, तो इस तरह के ट्रिक से आप आसानी से, अगर 99 से गुना करना है, 999 से गुना करना है, 9999 से, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक नंबर दो ये कहता है, अगर कोई दो नंबर दे दे, अगर उसका जो अंतर है उसको घटा ले, अगर घटा बड़ी में से अगर छोटी को अगर घटा ले, अगर वो 10 अगर आ जाए, और दूसरा बात, अगर उसका जो इकाई का अंक जो हमेशा 5 अगर हो गया, क्या बोले? पहला बात, अगर अंतर 10 हो और इकाई का अंक क्या हो? 5 हो, तो जो दो नंबर है तो उसमें जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन है इसमें? 75। कौन नंबर है बड़ा? 75। तो 75 बड़ा है, तो उसका दहाई का अंक क्या है? 7। तो उसमें एक ऐड कर दे, तो 7 में एक जोड़िए, क्या होगा? 8। और जो 8 जो हो गया, उस 8 को क्या कीजिए? इससे मल्टीप्लाई कीजिए अगले वाला से। 8 × 6 कितना होगा? 48। और एक बात क्या कीजिए, हमेशा लास्ट में 75 लिखिए। क्या बोले? लास्ट में हमेशा क्या लिखेगा? 75। जैसे देखिए, 95 और 85 में कौन बड़ा है दोस्तों? तो 95। क्या बोले? जो बड़ा होगा उसके दहाई में एक जोड़िए, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और उस जो आया उसको क्या करेंगे? अगले वाले नंबर के दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 8 = 80 हो गया। और लास्ट में दोस्त क्या लिखेंगे? 75। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल ये कहता है, 35 और 45 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो बड़ा नंबर कौन है दोस्तों? 45। तो क्या बोलेंगे? बड़ा नंबर एक ऐड कीजिए, कितना होगा? 5। और उसको दूसरा संख्या के दहाई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 3 = 15। और लास्ट में दोस्तों 75 लिख दीजिए आराम से। ये क्या होगा दोस्तों? 6 में एक ऐड करेंगे, 7 × 5 = 35। लास्ट में दोस्त क्या लिखेंगे? 75। तो वो दोस्तों ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। जब ये हो कि दो दो संख्या को मल्टीप्लाई करना है, उसका दोनों का दहाई का अंक जब सेम हो, यानी कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और इकाई अंक का जब सम यानी कि जोड़ अगर 10 आ जाए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? दहाई वाले अंक में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 होगा। और 8 × 2 = 16 कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर क्या करेंगे दोस्तों? 4 में 1 जोड़िए, 5 होगा। 5 को आप दोस्त क्या करें, अगले नंबर के दहाई से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 20 होगा। और इकाई को इकाई से कर दी, 6 × 24 हो जाएगा दोस्तों। आप क्या करें दोस्तों, 7 में 1 ऐड कीजिए, 8 होगा। 8 को दूसरे नंबर के दहाई से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 हो जाएगा। और इकाई को इकाई से 4 × 6 = 24 दोस्तों, 24 लिख देंगे। दूसरा दोस्तों, 9 में 1 ऐड कीजिए, 10 होगा। 10 को इस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 होगा दोस्तों। और फिर इकाई को इकाई से 4 × 6 = 24। तो दोस्तों, अब हम ट्रिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर किसी नंबर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका एक आसान सा ट्रिक है। देखिए, 140 को
पाँच से करना है, तो 140 का आधा कर दीजिए कितना होगा 70, 140 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा 70, आराम से एक उस पर जीरो बिठा दीजिए, आंसर हो गया। जैसे देखिए दोस्तों 236 को 5 से करना है, क्या करेंगे 236 का आधा करेंगे कितना होगा 118, उस पर एक जीरो लगा दीजिए, आराम से हो गया। ये कितना दोस्तों 4424 को 5 से करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों इसको आधा कीजिए कितना होगा 22 12, और लास्ट में एक जीरो दे दीजिए, आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमको 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को हम क्या करें दोस्तों 4 से भाग देंगे, क्या दोस्तों 4 से, तो 4 चौके 16, लास्ट में 2 जीरो दे देंगे दोस्तों। इसको फिर क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 चौका 16, और लास्ट में क्या देंगे दोस्तों 2 जीरो दे देंगे आराम से दोस्तों। फिर इसको क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग देंगे, 4 3 12 0, लास्ट में क्या दोस्तों 2 जीरो देंगे। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से भाग देंगे 1 जीरो देंगे, 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है दोस्तों तो 4 से भाग देंगे 2 जीरो देंगे। अगर आपको अगर 125 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों तो उस नंबर को 8 से भाग देंगे और लास्ट में 3 जीरो देंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं रोज शाम के 5 से 6 के बीच एक नए ट्रिक के साथ।